हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने सीडेट के बिहाफ पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों डिफाइन करने वाला हूं। और सीडेट में इसके कम से कम दो या तीन क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज मैं आपके सामने सीडेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के वो कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू होता क्या है। तो देखिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हिंदी में बात करो तो स्थानीय मान और अंकित मान, इसको जातीय मान भी बोलते हैं। देखिए, प्लेस मतलब होता है स्थान, ये सबको पता है कि प्लेस मतलब होता है स्थान। और अगर आपने जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर 10,000, तो मोस्टली इन सब चीजों का ही यूज होता है इसके अंदर। मैं एक नंबर लेता हूं, 54321, 54321। मैंने एक ही नंबर लिया और मैंने कहा, इस नंबर में मैंने कहा कि जो तीन है उसका स्थानीय मान और अंकित मान, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस करना है। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ थ्री, तीन का करना है। तो जब तीन का करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तीन कहाँ है, वन टेन हंड्रेड, यानी कि तीन के बाद ये क्या हो गया, दो जीरो, दो जीरो हो गए, यानी प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी, 300 हो गई। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो जो नंबर पूछा जाए उसके बाद के जितने भी नंबर हो उतनी जीरो लगा दो, नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, वन टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो ये 300 में काउंट होता है। तो ये हम क्या लिखेंगे यहां पर, 300 लिखेंगे। देन फेस वैल्यू, अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की, यानी कि अंकित मान की, तो फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, और जो नंबर दिखता है वही नंबर होता है, ना उसके आगे ना उसके कुछ पीछे, कोई जीरो नहीं, कोई कुछ नहीं, तीन पूछा है तो तीन ही होगा फेस वैल्यू। यहां पर तीन है तो फेस वैल्यू कितनी होगी, तीन ही होगी। अब बात करूं इनके डिफरेंस की, यानी कि इनके अंतर की, तो 300 माइनस 3 कितना हो गया, 297। अब यहां पे डिफरेंस ना पूछकर सम पूछ रहे, क्या पूछ रहे, सम, तो 300 प्लस 3 कितना हो गया, 303। अब सम के बदले यहां पर प्रोडक्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, तो 300 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 900। अब यहां पर डिवाइड भी पूछ ले, प्रोडक्ट, डिवाइड, डिफरेंस, सम, कुछ भी पूछ सकता है, उसका मन क्वेश्चन कुछ भी करके पूछ सकता है। सिर्फ दो नंबर दे दिए जाएंगे, दोनों प्लेस वाले, वो डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 300 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 100। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन से सारे के सारे चीज बता दी कि डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, सम निकालना हो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एंड डिवाइड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब मैं आपके सामने, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हल्का सा कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, और अब मैं आपके सामने क्या लेके आऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूं, सीडेट के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, सीडेट से क्वेश्चन उठा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपका आया था एस्टेट, ये मैंने एस्टेट का क्वेश्चन उठाया। संख्या 937521, संख्या दी हुई है कौन सी, 937521, 937521, और लिखा हुआ है कि स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर निकालिए, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 937521। 7 का पूछा हुआ है, मैंने क्या बताया, अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं यानी कि स्थान की, तो कौन से स्थान पर है, 7551, यानी 7000 पे है, 7000 पे, नहीं तो 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो मैंने क्या कहा, फेस, जो नंबर पूछा जाए उसका फेस क्या होगा, वही होगा। तो 7 आपका पूछा गया, 7 ही आपका फेस, और इसमें क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं,
7000 माइनस 7, आंसर आया 6993। और ऑप्शंस में दिया हुआ है 7514, 521, 6993 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपका मैंने एस्टेट का क्वेश्चन आया था, मुझे ईयर नहीं पता क्योंकि मेरे पास ये पेपर रखा हुआ था, बट इसका ईयर मुझे याद नहीं है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उनके ईयर के साथ साथ आपको क्वेश्चन कराऊं, जिससे आप देख सकते हैं कभी भी कि ये पेपर कब आया था। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपसे, सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। लिखा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 769 इन द नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक संख्या दी है 1706589, ये नंबर दिया हुआ है 1706589, और इसमें 7, 6, 9 के स्थानीय मान का योग बराबर करना है। यानी कि आपको जो प्लेस वैल्यू निकालनी है सात छ नौ की, और इन सब का क्या करना है, सम भी करना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 769, चलिए 7 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। 7 यहां है ना, चलिए 7 कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। 6 पूछा हुआ, 6 का है यहां, कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 6 में 4 जीरो लगा दो, प्लस में 6 1 2 3 4। 9 पूछा हुआ, 9 कहां पर, यहां सिंगल और कहीं है भी नहीं, इन सब का सम करो, क्या करेंगे सम। देखो सम अगर आपको करना आता हो तो देख लेते कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 देन लास्ट में 9, इन सबका क्या करूंगा सम, 9 का 9, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 और 0, 6 0 और 7, ये आपका क्या आ गया 706009। ऑप्शन भी दिया हुआ था 706009। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, रफ करता हूं ऐसे आगे बढ़ता हूं। देखिए ये आपका क्वेश्चन 21 सितंबर 2014, ये क्वेश्चन पेपर जो है, और इसमें पूछा हुआ था डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5, डिफरेंस पूछा हुआ है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का 5 से, और एक नंबर आपको दिया हुआ है 35362, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा हुआ है, यानी कि 5 के स्थानीय तथा अंकित मान का अंतर, डिफरेंस पूछा हुआ है। देखिए 5 कहां पर है, यहां, तो 5 के बाद कितने जीरो, कितने नंबर्स बच रहे हैं, 1 2 3, यानी कि अगर मैं स्थानीय मान की बात करूंगा तो स्थानीय मान आपका कितना आएगा 5000, और अंकित मान की बात करूं यानी कि फेस वैल्यू की बात करूंगा तो क्या आएगा, जो नंबर दिया हुआ वही आएगा, दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है, चलिए अंतर निकालते हैं, 5000 में से 5 माइनस करते हैं, चलिए यहां से माइनस किया 0 है, 1 कैरी ले लिया, पहले यहां 10 फिर यहां 10 देन यहां 10, और यहां क्या बचा 9 और यहां भी 9, तो 10 में से 5 गया 5 9 9 4 4995, आपका ये आंसर आ गया 4995। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है, और एक नंबर आपको दिया हुआ है 70560, ये नंबर दिया हुआ है, और 5 एंड 6 के जो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू है उनका प्रोडक्ट करना है, क्या करना है उनका प्रोडक्ट करना है, चलिए 70560, 5 और 6 का पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यानी 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 500,
मैं यहां लिख सकता हूं 5 का स्थानीय मान। अभी मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, अदरवाइज जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट निकलेंगे एक बार में, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। प्लेस वैल्यू पूछा 5 का तो यहाँ से हो जाएगा 500, 6 का पूछा तो हो जाएगा 60, 5 6 30 और जितने जीरो होंगे वो सारी सारी हम लगा देंगे। देन मैंने 5 का निकाल लिया, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें पूछा क्या हुआ है, इसमें पूछा प्रोडक्ट, क्या पूछा है प्रोडक्ट, यानी कि मैं बात करूं तो क्या पूछा हुआ है गुणनफल। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 500 मल्टीप्लाई 60। तो जब भी कभी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर जो हमारे होते हैं उसमें जीरो होते हैं, हम उनको साइड रखते हैं, 2 जीरो यहां पर 1 जीरो यहां, टोटल कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई। तो 5 6 30 और 3 जीरो आप जो बची है वो लगा दीजिए, आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका आंसर आ गया 30,000, कितना आ गया ये 30,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो पेपर है ये आपका 18 नवंबर 2012 का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक नंबर दिया है 2424, एक नंबर दिया हुआ है 2424 और इसमें पूछा हुआ है कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, यानी द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। 2 के स्थानीय मान का पूछा हुआ है, क्या पूछा है 2 के स्थानीय मान का, चलिए देखते हैं। अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 सबसे पहले ये वाला, इसका कितने जीरो है 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे। देन सेकेंड नंबर जो है प्लेस वैल्यू 2, इसका मैं पूछूंगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2, कितने जीरो आ जाएंगे इसमें 1 0 20। क्वेश्चन पूछा हुआ सम, क्या पूछा हुआ सम, सम कर लीजिए 2020, तो कितना आ गया 2020 आ गया, कितना आ गया ये आपका, ये आ गया आपका 2020। देखिए सम करिए हो गया। अब एक क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो इनके हर पेपर में आए हैं और मेरे पास फिलहाल जितने पेपर थे मैं आपको उन सभी पेपरों से करा रहा हूं, और बाकी कुछ जो रह जाएंगे मैं जब प्रॉपर पेपर को सॉल्व कराऊंगा, प्रॉपर एक मैथ का सेक्शन उठाऊंगा जिसमें सारे के सारे पैडागोजी क्वेश्चंस अलग कराऊंगा, देन ये जो 15 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पैडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस किसके होते हैं एप्टीट्यूड के होते हैं। तो ये 15 के 15 मैं आपको हर पेपर का सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं आगे, एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 और इसमें पूछा हुआ 3 के स्थानीय मान का अंतर और अंकित मान का अंतर निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक नंबर दिया 1 2 3 4 5, क्या नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5, ये नंबर दिया हुआ है और आपको जो अंतर निकालना है वो 3 का ही स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है, यानी स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। चलिए यानी कि 3 का स्थानीय मान लिखता हूं मैं, तीन का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, 2 जीरो लगेंगे, 2 नंबर बचे हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब 3 का स्थानीय मान हो गया, अब मैं क्या निकालूंगा 3 का अंकित मान निकालूंगा। तो मैंने बताया था कि आपको अंकित मान क्या होता है, यानी फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर आपको जो डिजिट दी हुई है उसमें से जो नंबर आपसे पूछा जाए वही आपका अंकित मान होगा। तो कितना आ गया 3 आ गया और दोनों में क्या निकालना है अंतर निकालना है, तो अंतर कितना आएगा 300 माइनस 3 कितना आ गया 297 आ गया, कितना आ गया 297। ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहां पर 6, पूछा हुआ है एक नंबर दिया है 63606, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, सम ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606, जितने भी प्लेस वैल्यू है उनका सम करना है, यानी कि सभी 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है 6 के स्थानीय मान का योगफल। चलिए लिख देता हूं ये क्वेश्चन हिंदी में भी, 6 के
स्थानीय मान का योगफल। छह के स्थानीय मान का योगफल और नंबर आपको दिया हुआ है 63606। क्या दिया हुआ है? 63606। तो देखिए सबसे पहले छह का सिक्स का निकालते हैं इस वाले का, तो एक दो तीन चार कितने जीरो आ जाएंगे? एक दो तीन चार। फिर इस वाले सिक्स का निकालेंगे कितने जीरो आएंगे? एक दो, यानी कि 600। देन इसका निकालेंगे लास्ट में सिक्स, सम कर देंगे कितना आ जाएगा? 60606। और आपका क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए आपके 60606, 6606, 6066 या 18। अगर अंकित मान पूछता तो 18 ही आता, लेकिन इन्होंने स्थानीय मान पूछा और 18 कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। मेरे पास करीब 6-7 पेपर थे, जितने भी पेपर थे मैंने उनसे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो मैं आपको, जब मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं प्रॉपर सेक्शन कराऊंगा मैथ का तो पर्टिकुलर पेपर बकायदा डेट के हिसाब से सॉल्व कराऊंगा और प्रीवियस के क्वेश्चंस में डालूंगा। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।